अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप लोग? खैरियत से होंगे उम्मीद करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी लोग भी खैरियत से हैं। और ये देखें जी, शेरू आज कहाँ चढ़ गए हैं। आप पे कभी मीठी चढ़ जाती है, कभी ये चढ़ जाता है। अब ये मीठी को देखें, पीछे से आवाज़ें दे रही हैं, सीटियाँ बजा रही हैं कि वो चढ़ गया ऊपर, अब मैं क्यों नहीं चढ़ रही ऊपर। शेरू, शेरू बात करो। ये देखिए, हमारे घर सियालकोट में ना, ये देखिए कितनी हैवी रेन हुई है, ज़्यादा बहुत तेज़ बारिश। हवा देखी, उसकी आवाज़ देखी। ये है हम लोग ना सियालकोट के शहर डालोवाली में रहते हैं, जो ये बॉर्डर के पास एरिया है। ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़े से हम लोग पहले हैं, उसके आगे भी हैं चार पांच गांव। लेकिन ये देखिए आवाज़ें, देखिए ऐसी बारिश हो तो कसम से डर लगता है, खौफ आता है, मुझे तो डर लगता है, दिल को कुछ होता है। तो इतनी हैवी रेन, ये देखिए आवाज़ सुन रहे हैं आप लोग, इसकी आवाज़ सुन रहे कैसे शाँ शाँ की आवाज़ें आ रही हैं। बड़ी हैवी रेन हुई है हम लोगों के सियालकोट में। ये बड़ी अच्छी बात है कि जब लोगों का गर्मी होनी शुरू हो जाती है, तीन चार रोज़ गर्मी होती है, अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत बरसा देता है और बारिश शुरू हो जाती है और हम लोगों का गर्मी का तोड़ हो जाता है। जी जी, नहीं तो बड़ी गर्मी थी, बड़ी गर्मी थी। अब फिर बारिश हुई, अब दो चार दिन फिर गुजर जाएंगे, फिर माशाल्लाह कल से मौसम अच्छा हो रहा है। जी जनाब, आज मैं थोड़े लिए ना आलू गोभी बना लगी। आए हाए, तुम कहोगे ऐ की बना लगी, आलू गोभी भी कोई पकाने वाली चीज़ खाते तो हैं कोई नहीं। जी जनाब, मेरा बंदा भी नहीं खाता, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते, वो कहते हैं कि मैं नहीं खाना शौक और बच्चे भी शौक से नहीं खाते, इतना ना कहते आलू गोभी ऐसी नहीं खानी। ये मैंने पहले डाला है ऑयल, ऑयल के बाद ना मैं इस तरह बनाती हूँ। ये आलू गोभी डाल दी, इसको मैं पहले फ्राई करूँगी, मैं नहीं वो तड़का शड़का लगाती इसमें, क्योंकि सर्दियों की सब्ज़ियाँ जो ना 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेती, जल्दी बन जाती हैं। और कौन बंदा पहले तड़का लगाए, फिर वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाले, टमाटर मिर्चें डालें, नमक हल्दी वगैरह सारा डाले, मसाला बनाए, फिर सब्ज़ी बनाए। लेकिन आप लोग मेरे तरीके से बना रहे हो ना खाना, जो नहीं बना रहे वो भी बनाए, और जो जिनको आता है कि हम लोग इस तरह अच्छा बना लेते हैं वो इस तरह बना के देखें तो सही। ये प्याज और टमाटर मिर्चें मैंने काट ली हैं, मैंने नहीं डालनी वो ज़्यादा, जो है ना पहले ही उसको तड़का शड़का लगा लेना। ये देखिए मैंने पहले फ्राई करनी है, पहिया देख लो जी, मैं सब्ज़ियाँ सर्दियाँ दी जिन्या भी ने ना मैं ऐसे तरह बनानी है। जी पहले मैं इनको काट लेती हूँ, काट के धो के अच्छी तरह मैं फ्राई करती हूँ आयल में, 5 मिनट फ्राई करती हूँ, थोड़ा सा इनको नरम कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं अपनी प्याज लहसुन अदरक वगैरह बाद में ऐड करती, नहीं ये नहीं कि मैं डालती नहीं, डालती हूँ लेकिन बाद से ऐड करनी है, नाल नहीं मैं पहले नहीं पाती, इन्ना टाइम कोई नहीं मेरे को। तो अच्छी सब्ज़ी बनती है, मेरा सालन भी अच्छा बनता है, ये नहीं कि बुरा बनता है, जायकेदार बनता है, अच्छा बनता है। जी ये देखिए मैंने पहले उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया 5 मिनट, अब ये मैं प्याज टमाटर मिर्चें वगैरह जो है ना ये डाल के 5 मिनट इस तरह इनको फ्राई करूँगी, देखिएगा। और इतना प्यारा कलर आएगा ना, आप देखना कहना कि वाह जी वाह, ऐ तो कमाल ही कर देंगे। असी पहले तड़के लाने, फिर मिर्चा पाने, टमाटर पाने, फिर उन्होंने भुनने, फिर सब्जी में भुनने, लगा देंगे ने अद्धा घंटा ला देंगे ने आंडी पका दें, बंदा भावें भुखा ही मर जाए। 15 मिनट में देखना ये मेरी आंडी जो है ना तैयार हो जानी है माशाल्लाह। जी ये मेरा लहसुन है, ये देख ले मैं भी लहसुन डालती, क्यों नहीं डालती, सब कुछ ही डालती, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है। जी ये मैं अब इसको कूट रही हूँ। अब इसको भी मैं ऐड कर दूँगी, ये देखिए पहले मैंने मिर्ची टमाटर प्याज वगैरह डाले, अब ये मैं लहसुन डाल दूँगी। आप मेरी आगे चल के देखिएगा, मेरी हांडी का कलर देखिएगा, उसका रंग देखिएगा, ये मेरे मसाले आज मैंने ना इनको सबको इकट्ठा करके रखा है। मैंने कहा थोड़ा वीडियो जो है ना अच्छी सी बन जाएगी, साथ में जोड़ के रखा हुआ है, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल पकड़ो वो तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है बनाना।
जी हल्दी डालें। ऑर्डर किया हुआ है स्टैंड का, पता नहीं कब आएगा, दराज पे किया हुआ है ऑर्डर, लेकिन अभी तक मेरा ऑर्डर ही नहीं आ रहा। पता नहीं शायद सैलाब की वजह से डिले हो गया या मुझसे ऑर्डर नहीं सही हुआ। आज की डेट थी 19 सितंबर की, आज तो 21 हो गई है, 2 दिन ऊपर हो गए, बल्कि 2-3 चीज़ों का मैंने ऑर्डर दिया हुआ दराज पे, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं पहुंचा। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया, और झटमट में 10 मिनट हुए मुझे ये भूनते हुए। पहले मैंने उनको कच्चा फ्राई किया हुआ, अब ये प्याज अदरक लहसुन और ये टमाटर मिर्चें जो डाली है ना मैंने, कुछ मेरी आंडी तरह मिलो है कोई ख़राब आंडी या चिटी चिटी आंडी है जी, नहीं कितना प्यारा रंग आया, गोल्डन गोल्डन। मेरी सभी सब्जियों का कलर इसी तरह गोल्डन गोल्डन हो जाता है। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने डाल लिया खाना अल्लाह के बाबरकत नाम से। अब हम इसको आज थोड़ा सा ना डेकोरेट करेंगे अपनी डिश को खीरे के साथ। ये देखिए अच्छा खाना जिस तरह चाय बना लें आप, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो ना, किसी भी चीज़ की आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी ना, आपका बुरे से बुरा खाना भी अच्छा लगेगा। अच्छे तरीके से आप बनाएं, अच्छे तरीके से अपने बच्चों को अपने हस्बैंड को सर्व करें तो उनका दिल खुश हो जाएगा। जे उसी पा के पहले तार देगी, हेलो फड़ो जी खा लो तुम हूँ, तो वह कहते ए की बनाया, वह बंदे भी गुस्से हो जाते हैं। लो जी तुम आखोगे इन्हें तो चाह भी बना दी है, चाह नहीं जो बना रही मैं, चाह उस सच ना दुध गर्म कर लिया सी, ते वो वीडियो बनाने का याद नहीं रहा। ए मैं तुम्हें एक टिप देन लगी हाँ कि जो कोई तुम्हें बच्चा आवाज़ दे ले कोई चीज़ बना दिया उबाल दिया, तो तुम अपना लकड़ी का कोई भी पेंदा लेके जो आपके घर में डोई हो कोई भी लकड़ी का जो है ना चम्मच जो है ना वो आपने ऊपर रख लेना, दूध के ऊपर रख जाना, जल्दी में जल्दी भी हो के चाय भी जल्दी बन जाए या दूध भी जल्दी बॉयल हो जाए। तो आपने इस तरह जो है ना अपने दूध वाले बर्तन पे भी या चाय वाले बर्तन, अब दूध मेरा गर्म हो गया था, चाय रह गई थी खाने की रात की, तो ये मैंने कहा चलो चाय पे बना के आपको बता दूँ, क्योंकि चाय को भी तो बॉयल आता है ना। ये देखिएगा ये नीचे तेज़ आँच है और ये देखिए ऊपर आ रही है, बॉयल हो रहा है जी। वीडियो अगर लाइक अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है, मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा क्योंकि फिर मैं और अच्छा अच्छा काम करूं, मेरी मिस्टेक भी निकाला करें। ये देखिए चाय हमारी ऊपर आ रही है, बिल्कुल चाय बाहर निकलेगी नहीं। इसी तरह आप अब कभी जल्दी में भूल जाएँ या कोई काम आ जाए लेकिन चाय भी बनाना ज़रूरी हो, दूध भी उबालना जल्दी हो, जल्दी कहीं जाना हो, तो इस तरह आप जल्दी से ऊपर लकड़ी का कोई भी आप पेंदा रख दें जी। अगली वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।